नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तेजस और स्टार तेजस इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, हमने बहुत सारे आतंकवादी हमले देखे हैं, सुने हैं। वो चाहे मुंबई का सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हो, दिल्ली का पार्लियामेंट अटैक हो, 26/11 का ताज अटैक हो, इन जैसे अटैकों से प्रेरित बहुत सारी फिल्में आई है, वेब सीरीज आई है, डेली सोप आई है। ऐसी एक वेब सीरीज मैंने कल देखी जिसका नाम है स्पेशल ऑप्स। दोस्तों, ये वेब सीरीज पार्लियामेंट अटैक से प्रेरित होकर लिखी गई है, जिसके राइटर और डायरेक्टर नीरज पांडे जी है, जिन्होंने स्पेशल 26, आईआरई, एमएस धोनी, रुस्तम जैसी कई सारी हिट फिल्में लिखी है और डायरेक्ट की है। पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसमें 5 आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन ये 5 आतंकवादी मारने के बावजूद इसका मास्टरमाइंड एक और था। इसके सबूत रॉ के एक ऑफिसर हिम्मत सिंह, जिसका कैरेक्टर के मेरन जी प्ले कर रहे हैं, हिम्मत सिंह को इस छठे आतंकवादी की कुछ जानकारी मिलती है। लेकिन इस छठे आदमी जिसका नाम इखलाक खान है, इस इखलाक या इस छठे आदमी को मानने के लिए ना दिल्ली पुलिस तैयार होती है ना और कोई एजेंसी। हिम्मत सिंह एक अपनी टीम बनाता है, इखलाक खान को पकड़ने के लिए यह ऑपरेशन चलाया जाता है। फारूक एक रॉ का ही एजेंट, इसको इखलाक खान तक पहुंचने की कुछ सीढ़ियां दिखाई देती है। इखलाक खान तक अगर पहुंचना है तो उसे हाफिज तक पहुंचना चाहिए, और अगर हाफिज तक पहुंचना है तो उसे इस्माइल तक पहुंचना चाहिए। रॉ इस खुफिया एजेंसी का जो सीक्रेट फंड होता है, उस फंड से बहुत सारा पैसा उठाकर फारूक एक बिजनेसमैन बनता है, इस्माइल का दोस्त बन जाता है बिजनेस में, उसका भरोसा जीतता है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद इस्माइल फारूक को हाफिज से मिलवाता है। हाफिज जो इखलाक खान का राइट हैंड भी कहा जा सकता है। हाफिज और फारूक की दोस्ती होती है, फारूक हाफिज का भरोसा जीतता है। हाफिज और फारूक के बीच में बिजनेस के चलते बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फारूक को तो 1 लाख से मिलना है। ऐसी बहुत सारी मूवमेंट आती है, बहुत सारे पल आते हैं जिसमें फारूक 1 लाख को मिलने ही वाला होता है, लेकिन हाफिज उसको मिलवाने से टालता है। हाफिज फारूक को 1 लाख खान से मिलवाने से क्यों टालता है? 1 लाख खान मिलता है या नहीं? आखिर 1 लाख खान है कौन? इन सारे आपके जो सवाल है, इन सवालों के जवाब देखने के लिए, ढूंढने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। अलकायदा का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन, जिसको पकड़ने के लिए 10 से 11 साल लगे, ऐसे ही इखलाक खान को पकड़ने के लिए टोटल 20 साल लगते हैं रॉ के एजेंट को। तो देखिए कितना दिलचस्प होगा ये देखना। दोस्तों, एक चीज मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा, जब आप इखलाक को देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वेब सीरीज का क्लाइमैक्स आपको बहुत कुछ दिखा कर जाएगा, बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, और ये क्लाइमैक्स आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो इतना ही कहना चाहूंगा, ये वेब सीरीज देखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।